लिए ghamasan.com, मैं हूँ आपके साथ इक्षा भानुप्रिया। क्या है ये फैनी तूफान जो मचा रहा है इतना आतंक? बीते कुछ दिनों से हर जगह फैनी तूफान की चर्चा हो रही है। ये चक्रवर्ती तूफान काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये फैनी तूफान ओडिशा के पूरी तट से टकरा गया है। पूरी में काफी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। पूरी के तांडव को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है और जनता को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान से लड़ने की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी नज़र बनाए रखी है। लेकिन क्या है ये फैनी तूफान और कहां से आया है ये फैनी शब्द, आइए आपको बताते हैं फैनी के बारे में। चक्रवाती तूफान का नाम फैनी बांग्लादेश ने दिया है। फैनी नाम 64 नामों के पूल से लिया गया है। विश्व मौसम विभाग के नियम के अनुसार नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन के 8 देशों से तूफानों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इनमें से ही किसी एक नाम को चुनते हैं। तूफानों के नामकरण में वर्ष के अंक को भी ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विश्व मौसम विभाग के रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी ही नामों का चयन कर निर्णय लेती है। तूफान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका के चलते रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जो 4 मई तक रद्द रहेंगी। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे तक ओडिशा और भुवनेश्वर से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। बताया जा रहा है कि कोलकाता, रांची और भुवनेश्वर से आने वाले सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया और उनकी टिकट भी रद्द कर दी गई हैं। स्थिति सुधरने तक उड़ानें रद्द रहेंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।